धार पुलिस एक डॉक्टर और उसके बेटे की तलाश कर रही है। उन्हें पकड़ने के लिए बिहार पुलिस ने प्रयागराज में छापेमारी की है। दावा यह किया जा रहा है कि जिस डॉक्टर की तलाश पुलिस कर रही है वो सॉल्वर गैंग के संपर्क में था। उसने अपने बेटे के लिए सॉल्वर गैंग से मिलकर सेटिंग की और आरोप यह है कि उसके बेटे की जगह जोधपुर एम्स के एक छात्र ने परीक्षा दी। तो ये सॉल्वर गैंग वाला खेल अलग अलग जगह पर सामने निकल के आ रहा है। तीन पढ़ते हैं इस नीट पेपर लीक में, एक पेपर लीक, दूसरा ये सॉल्वर गैंग और तीसरा ये ग्रेस मार्क का जो खेल है, इस पर भी सीबीआई जांच कर रही है। वहीं बरेली में एक और खबर, बड़ी खबर आ रही है, बरेली में फायरिंग हुई है। यूपी के बरेली में फायरिंग के आरोपी के अवैध संपत्ति पर योगी का बुलडोजर चल गया है। 22 जून को बरेली में प्लॉट पर कब्जे को लेकर कई राउंड फायरिंग के मामले में मुख्य आरोपी राजीव राणा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। तो बुलडोजर तंत्र अभी भी उत्तर प्रदेश में जोरों शोरों पर है कि जो वहां पर अतिक्रमण करेगा, जो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेगा, बंदूक की नोक पर जो काम करवाने की या काम करने की कोशिश करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। बंदूक का जवाब बुलडोजर से, ये सामने आपके दिख रहा है। बरेली में बुलडोजर एक्शन है, आरोपी के अवैध निर्माण पर एक्शन है, प्लॉट पर कब्जा करने के लिए 22 जून को फायरिंग हुई थी, दिन दहाड़े ये देखिए, प्लॉट पर कब्जा करने के लिए दिन दहाड़े फायरिंग हो रही है, वो देखिए, सड़क के दोनों ओर से लोग खड़े होकर एक दूसरे पर तनातन गोली चला रहे हैं दिन दहाड़े।